हेलो गाइस, टिप्स एंड ट्रिक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है मोहित। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कार स्क्रैपिंग पॉलिसी को लेके। जी हां दोस्तों, आजकल कार स्क्रैपिंग पॉलिसी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। ऐसा क्यों हो रहा है? आज से 10 साल पहले क्या था कि जब कभी भी आप कोई व्हीकल परचेज करते थे तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन लाइफ होती थी RC में, वो होती थी 15 साल। आप 15 साल तक अपने व्हीकल का प्रयोग कर सकते थे बेधड़क। उसके बाद आप अपने स्टेट में उसको जो वो री एक्सटेंड करा सकते थे, मतलब उसको री रजिस्ट्रेशन करा सकते थे। अब ऐसा क्या हो गया, आप अपने पुराने व्हीकल को यूज़ नहीं कर सकते? सिर्फ आपके पास एक यही विकल्प है कि आप उसको कुबाड़े में तोड़ दें या फिर स्क्रैप करा दो। देखिए दोस्तों, क्या है कि अगर आपके पास कोई व्हीकल है और उसको 15 साल हो गए हैं या फिर होने वाले हैं, अगर हो गए हैं तो सिर्फ आपके पास एक ही विकल्प है, दैट इज़ स्क्रैपिंग। अगर 15 साल नहीं हुए हैं, होने वाले हैं, 14 साल हुए या फिर 14.5 साल हुए हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहला अफकोर्स स्क्रैपिंग, दूसरा री रजिस्ट्रेशन। आप क्या कर सकते हैं कि अपने उस व्हीकल को किसी भी नेबर स्टेट में जो है वो सेल आउट कर सकते हैं। देखिए क्या होगा कि अगर आप अपने व्हीकल को स्क्रैप कराने जाओगे तो आपको इतने अच्छे प्राइस नहीं मिलेंगे। ये डिपेंड नहीं करता कि बेशक आपका व्हीकल नया हो, लेकिन स्क्रैप में तो आपको स्क्रैप के ही प्राइस मिलेंगे, कुबाड़ में तो कुबाड़ के ही प्राइस मिलेंगे, नए के तो नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपका व्हीकल गुड कंडीशन में है, वेल मेंटेन है, तो आप उसे नेबर स्टेट में बेच सकते हैं, वहाँ पे उसे री रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है और उसे दोबारा से यूज किया जा सकता है। लेकिन वहाँ पे भी एक कैप है, अगर आप अपने व्हीकल को री रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आप उसको दिल्ली NCR में नहीं चला सकते। अगर आप दिल्ली NCR से हैं तो ये विकल्प आपके लिए ख़त्म है। अगर आप किसी पड़ोसी स्टेट से हैं, लाइक UP से हैं, MP से हैं, पंजाब से हैं, कर्नाटका से हैं, महाराष्ट्र से हैं, देश के किसी भी अन्य कोने से हैं दिल्ली NCR के सिवाय, तो आप इस व्हीकल को यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, देर इज़ नो प्रॉब्लम। बट अब समस्या ये होती है कि आप अपने व्हीकल को बेच तो देंगे, लेकिन जेन्युइन बायर कहाँ से लेके आओगे, ये भी समस्या है। कुछ लोगों ने ऑनलाइन अपने व्हीकल बेचे भी हैं, अब फर्दर उनके लिए भी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, क्योंकि वो जो बेचा था व्हीकल वो वहाँ पे प्रॉपर री रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में पाया गया, जिसके बाद ओनर को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। तो आपके पास जो सबसे अच्छा विकल्प है वो है डेट इज स्क्रैपिंग। आप अपने व्हीकल को स्क्रैप कर सकते हैं, लेकिन स्क्रैपिंग में भी एक रूल है। क्या हुआ कि कई सारे लोगों ने अपना जो व्हीकल है वो भी स्क्रैप कराया, लेकिन स्क्रैप कराने के बाद भी उनको काफ़ी परेशानी का जो सामना है वो करना पड़ा, क्योंकि स्क्रैप करके तो आ गए, कुबाड़े में बेच के आ गए, पैसे लेके घर पे आ गए, लेकिन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन तो कराया नहीं, किसी भी अनऑथराइज जो है वो कुबाड़ी के पास जाके बेचे। देखिए कुबाड़ी अलग होता है और कार स्क्रैपर अलग होता है, ठीक है। अनऑथराइज के पास जाके बेच दिए, बाद में वही व्हीकल, सेम व्हीकल किसी इलीगल एक्टिविटी में एनरोल पाया गया, जिसके बाद व्हीकल का जो ओरिजिनल ओनर है उसको परेशानी झेलनी पड़ी। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी अथोराइज स्क्रैपर के पास जाके अपनी कार को स्क्रैप करा सकते हैं। स्क्रैप मीन्स आपको अपनी कार को पीसीज में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, और जब आप अपनी कार को स्क्रैप कराओगे तो आपका जो चेसी नंबर है वो आपको साथ में लेके आना पड़ेगा, वो पार्ट आपको लेके आना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आप स्क्रैपर के साथ भी बार्गेनिंग कर सकते हैं कि नहीं, मेरी कार का तो अच्छा प्राइस है, क्योंकि मेरी टायर के कार नए हैं, बैटरीज नहीं हैं। क्योंकि जो स्क्रैपर है वो क्या करेगा, आपकी कार की बॉडी को तो कुबाड़े में भेज देगा, मेल्टिंग के लिए भेज देगा, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द पीसेज हैं, रेस्ट ऑफ द स्पेयर पार्ट्स हैं, वो उनको बेचेगा, स्पेयर पार्ट्स में यूज करेगा, लाइक हेडलाइट है, आपकी टेल लाइट है, टायर्स हैं, लॉयज व्हील्स हैं, वो ओल्ड मार्केट में, सेकेंड हैंड मार्केट में बेचे जाते हैं। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, लाइक आपके डोर हैं, आपके विंडशील्ड है, शीशे हैं, ग्लास है, ORBM है, म्यूजिक सिस्टम है, CNG किट वगैरह है, तो वो सारी चीज़ें बेची जाती है। रेस्ट ऑफ दी जो पीसेज है जो नहीं बिकते, लाइक रबड़ है, लाइक और ऐसे काफ़ी टूटे फूटे सामान होते हैं जो कि नहीं बिकते, बिकते तो सब चीज़ हैं, लेकिन फिर उनको स्क्रैप में बेचा जाता है। अब आपको क्या करना होगा, मान लीजिए आपने अपने कार को स्क्रैपर के पास भेज दिया, अथॉराइज स्क्रैपर के पास भेज दिया, उसके बाद आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन कराना होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने कार की ओरिजिनल RC दोगे, नो, आप स्क्रैपर को फोटोकॉपी दे सकते हैं, वहाँ पे एक एफिडेविट बनवा सकते हैं सेल परचेज का, ठीक है। जब आप अपनी गाड़ी उनको बेचोगे और आपकी गाड़ी स्क्रैप में कन्वर्ट हो जाएगी तो आपको वहाँ पे कलर फोटो लेने होंगे गाड़ी के, ऑफकोर्स, और जो आपके चेसी नंबर हैं अलोंग विद एप्लीकेशन आपको अपने RTO में सबमिट करनी पड़ेगी, ऑल दिस कलर फोटोज़,
उसके बाद आपको एप्लीकेशन देनी होगी आरसी डी रजिस्ट्रेशन, विच मीन्स आरसी कैंसिलेशन, उसको आरसी कैंसिलेशन बोलते हैं। उसके बाद क्या होगा कि आपकी आरसी कैंसिल हो जाएगी, और ये बेस्ट तरीका है अपनी कार को स्क्रैप कराने का। अब जो भारत गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, कार स्क्रैपिंग पे कुछ रिवार्ड्स पॉइंट्स भी दे रही है। मीन्स आप अपनी कार को स्क्रैप कराते हैं, ओल्ड कार को अगर आप स्क्रैप कराते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कार स्क्रैपिंग का। और जब आप कोई नया व्हीकल लेने जाओगे, नई कार लेने जाओगे ऑफकोर्स, तो आप उस सर्टिफिकेट को वहाँ पर दिखा के, तो आप उस सर्टिफिकेट को वहाँ पर दिखा के कुछ बेनिफिट्स ले सकते हैं। जैसे कि आप कभी भी नया व्हीकल लेने जाते हो और बदले में अपनी कार देते हो, जिसे कि बोलते हैं कार एक्सचेंज, तो वहाँ पर आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कार एक्सचेंज बोनस, तो आपको वहाँ पर स्क्रैप बोनस भी मिलता है। सो दोस्तों, ये एक छोटी सी वीडियो थी, पॉइंट टू पॉइंट मैंने बात की, वीडियो को ज़्यादा लंबा करने की कोशिश नहीं की। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई हो या फिर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, यदि आप अपनी कार को री रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं इन सब ताम झाम के बाद भी, तो मैंने उसके लिए भी एक वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप किसी दूसरी स्टेट से हैं तो ऑफकोर्स आपका व्हीकल गुड कंडीशन में है और आप उसको आगे फर्दर एक्सटेंड कराना चाहते हैं, तो 5 साल के लिए आप करा सकते हैं। उसके लिए आपको दोबारा से रोड टैक्स देना पड़ेगा, उसके लिए आपको दोबारा से रोड टैक्स पे करना पड़ेगा, तो आप वो कर सकते हैं, नो इशू, देर इज आल्सो नो इशू। सो दोस्तों, उम्मीद करूँगा वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से सीधे सीधे शब्दों में मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है, उम्मीद करूँगा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। सो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी किसी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, और हाँ, स्टे ट्यून्ड विद टिप्स एंड ट्रिक्स। बाय बाय।